What's up friends, मैं आपके टेक्निकल होस्ट और दोस्त पारस मैन, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेकी रैकी में। ये वीडियो उन सभी के लिए जो कि गेमर्स है और गेम्स को खेलना पसंद करते हैं, स्पेशली पबजी। अगर आप अपनी फोन की स्क्रीन को मिरर करके बिग स्क्रीन पर गेम को खेलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे कि आप मेरे साइड में देख रहे हैं, पबजी का छोटा सा गेम प्ले जो मैंने अपने लैपटॉप पर ट्राई किया। वेट गाइस, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि ये सब कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, अपने फोन की स्क्रीन को अपने पीसी या फिर डेस्कटॉप में मिरर करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप ये फॉलो करना है कि आपका फोन और आपका पीसी या फिर डेस्कटॉप एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए। नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद आपको अपने लैपटॉप में विंडो की प्रेस करनी है और यहाँ पर सर्च करना है सेटिंग, और सेटिंग लिखने के बाद सेटिंग को ओपन कर लेना है। आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। सिस्टम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी, आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है अवेलेबल एवरीवेयर। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है फर्स्ट टाइम ओनली। नेक्स्ट ऑप्शन में अगर आप अपने कनेक्शन पर पिन लगाना चाहते हो तो आप यहां से उसको सिलेक्ट कर लीजिए और अपने पिन को एंटर कर लीजिए। अगर आप अपने पीसी का नेम चेंज करना चाहते हो तो आप यहां पर क्लिक करके अपने पीसी का नेम भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद जाना है अपने अपने फोन की सेटिंग पे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन एंड शेयरिंग पे। इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा वायरलेस डिस्प्ले का। उसके बाद आपको करना है वायरलेस डिस्प्ले को ओपन और यहाँ पर करना है अपने वायरलेस डिस्प्ले को टर्न ऑन। टर्न ऑन होने के बाद आपको यहाँ पर आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप हो जाएगा शो, आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। अपने डिवाइस पर कनेक्ट करने के बाद आपको आपके लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आएगी कि दिस डिवाइस वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद यू, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपका फोन आपके लैपटॉप के साथ पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्क्रीन मिररिंग टाइम आपको भी ये वाला मैसेज शो हो रहा है प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी व्यूड ऑन दिस डिवाइस, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है बैक, आपको जाना है सर्च बार में। सर्च बार में जाकर आपको टाइप करना है फायरवॉल। फायरवॉल टाइप करने के बाद करना है उसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी फायरवॉल को कर लेना है टर्न ऑफ। जैसे कि यहाँ पर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, एक तो डोमेन, प्राइवेट, पब्लिक। अगर आप डोमेन नेटवर्क से अपने फ़ोन को मिरर कर रहे हैं तो आप अपने डोमेन की फायरवॉल को ऑफ कीजिए, ऐसी प्राइवेट की या फिर पब्लिक की। यहाँ पर मैं पब्लिक नेटवर्क से अपने फ़ोन को मिरर कर रहा हूँ तो मैं पब्लिक नेटवर्क की फायरवॉल को कर दूंगा ऑफ। उसके बाद आपको दोबारा जाना है अपनी कनेक्ट ऐप पर और उसके बाद आपको अपने फ़ोन पर अपने लैपटॉप पर करना है क्लिक। और जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं आपका फोन हो चुका है मिरर। मेरे पास Redmi का फोन है। Redmi के फोन के अंडर अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं, कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंडर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा कास्ट। कास्ट में हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मिनिमाइज विंडो, कास्ट विद स्क्रीन ऑफ, हाइड प्राइवेट आइटम्स, ऐसे ये सभी स्पेशल फीचर्स हैं जो हमें Redmi के फोन में देखने को मिलते हैं व्हाइल कास्टिंग। जैसे ही आपका फोन हो जाएगा कास्ट, आप किसी भी गेम को अपने फोन से डेस्कटॉप में इजीली खेल सकते हैं। यहाँ पर मैं PUBG Lite को आपको एक थोड़ा सा गेम प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं इसको करता हूँ ओपन और यहाँ पर मेरी गेम हो चुकी है स्टार्ट। यहाँ पर गेम प्ले हो चुका है स्टार्ट और मुझे अभी तक कोई भी लैग देखने को नहीं मिला है और यहाँ पर कंट्रोल्स भी फुली रिस्पॉन्सिव हैं। ये बहुत ही एक बेटर एक्सपीरियंस है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो की हेल्प से आप कर रहे हैं अपनी गेम्स को बिग स्क्रीन पर एंजॉय, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। फॉर नाउ फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, हास्ता ला वीस्टा।